जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर संकल्प लिया है कि टेलीकॉम का रेगुलेशन, डिजिटल का रेगुलेशन वर्ल्ड क्लास रेगुलेशन होना है। तो इसमें सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स आर हैपनिंग। इन दैट सेम सीरीज द इंडियन टेलीकॉम बिल हैज़ बीन अपलोडेड फॉर कंसल्टेशन। डिजिटल वर्ल्ड में टेलीकॉम इज़ दी एंट्री पॉइंट ऑफ एंटायर डिजिटल इकोनॉमी एंड इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी टुडे। सो अ वेरी रोबस्ट, वेरी वेल थॉट थ्रू एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ कंसल्टेशन अ न्यू बिल हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर consultations, further consultations. I am sure all of you would have got an opportunity to read it. आपने पढ़ा होगा, इस बीच में देखा होगा इसको। आज एक छोटा सा presentation आपके सामने, ताकि कोई भी point आपके mind में हो तो उसको हम लोग discuss कर सकें। तो we'll take about 20 odd minutes to go through this presentation और उसके बाद में we'll have as many questions as you would like to have, right? This is of course in This is integral part of the entire digital legal framework that we are making. इसके बाद में Digital Data Protection Act आएगा, Digital India Act है, तो इन सब का एक जो revamp हो रहा है, उस revamp का ये एक integral हिस्सा है। मैं start करूँगा, telecom sector आज India का एक significantly बड़ा sector है। इस sector में close to 4 million total employment है, direct and indirect. It is supporting so many other sectors. It contributes almost 8% to the GDP and almost 117 crore people are connected to the telecom services. हमारे जो existing laws हैं, वो तीन laws हैं जो कि पूरे telecom sector को govern करते हैं। पहला है 1885 का Indian Telegraph Act, दूसरा है Wireless Telegraphy Act of 1932 और तीसरा है टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 का। समय के साथ ये सब चीज़ें पुरानी हो गई है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉलिसी चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए टेक्नोलॉजी में, पॉलिसी में, रेगुलेशन में, यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब चेंजेस को ध्यान में रख के एक नया कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आप सबके सामने रखा गया है, जो कि इन तीनों एक्ट्स को रिप्लेस करेगा। बिल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेशन को मिनिमम करना, लेकिन जहां पर ज़रूरत है वहां पे उसको इफ़ेक्टिव करना। बहुत सारे रेगुलेशन होने से फ़ायदा नहीं, खूब सारा अगर आप रूल्स नियम कानून बना लोगे, लोग उसी में फंसे रह जाएंगे। इसके बजाय कम करना, लेकिन जितना है उसको एकदम इफ़ेक्टिव करना, ये सबसे बड़ा ध्यान रखा गया। दूसरा, हर जगह सर्टेनिटी कि भाई पुराने समय में जो भी कानून थे, जो भी स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट किसी को हो रखा है, एलोकेशन हो रखा है, कोई लाइसेंस मिला हुआ है, जो भी व्यवस्था अभी है उसका सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए नई व्यवस्था में। कहीं पर भी अनसर्टेनिटी नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे कि डिसरप्शन हो कहीं। तीसरा, टेलीकॉम की ग्रोथ के लिए राइट ऑफ वे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल की ग्रोथ के लिए राइट ऑफ वे की बहुत सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है। उसके लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक लीगल बैकिंग की व्यवस्था। चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स। हम सब जानते हैं किस तरह से आज साइबर फ्रॉड के लिए जो प्राइमरी सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स हैज़ बिकम दी टेलीफोन हैंडसेट। उसके जरिए से साइबर फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स। पांचवा, किस तरह से इनोवेशन, किस तरह से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और किस तरह से हिंदुस्तान को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एक लीडर की तरह स्थापित करें, उसकी एक व्यवस्था।